अच्छा यहाँ पे जो है एक हाइबर मार्केट है यहाँ क्लॉक टावर में, तो मैंने कहा ज़रा चल के देखते हैं, वहाँ पे जो है काफ़ी वैरायटीज हैं समझे, एक तरीके से मतलब सुपर मार्केट टाइप है मेरे ख्याल में। तो हाँ तो वहाँ बहुत कुछ है, मतलब कपड़े हैं और बहुत सी चीज़ें खाने पीने की जो होती हैं, तो चल के देखते हैं हाइबर मार्केट में ऐसा क्या है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ देखें ये नीचे भी जो है एक ये शू शेल वाला, अच्छा भाई हाइपर मार्केट में एंटर होते ही यहाँ वो चॉकलेट्स हैं और मज़ीद चॉकलेट और मज़ीद चॉकलेट और मज़ीद चॉकलेट, बहुत कुछ है भाई यहाँ पे। तो ये यहाँ देखिए फ्रेश जूसेस हैं, लेमन विद मिंट जूस है ये, और 18 रियाल का 18.95, तो समझिए तकरीबन 19 रियाल का। और ये जो है भाई यहाँ लबन आ गए, दूध आ गए, फ्लेवर्ड मिल्क आ गए, मेरे सबसे पसंदीदा जो है ना एक तो ये है, ये मैंगो फ्लेवर्ड मिल्क और एक स्ट्रॉबेरी वाला, ये दो जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं, तो अब यहाँ से ज़रूर लेके जाऊँगा मैं। और यहाँ देखिए बहुत सी इन्होंने यहाँ फ्रेश क्रीम रखी है, दही रखी है और दूध है, यही सब रखा है यहाँ पे, और योगर्ट है ये देखें फ्लेवर वाली योगर्ट। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। यस अच्छा, तो वही दूध और जो योगर्ट वाले सेक्शन से निकल के ये देखें यहाँ जो है जूसेस के सेक्शन शुरू हो गए हैं, और यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ में देखें जूसेस हैं, ये मैंगो जूस हो गया और ये मिक्स फ्रूट हैं, ऊपर ही मिक्स फ्रूट है, ये नीचे बड़े वाले हैं उनके वही मैंगो मिक्स फ्रूट वगैरह, और ये एप्पल का है और ऑरेंज है, यहाँ पे अनार का है, गावा का है, यहाँ पे सारे जूसेस ही हैं, बस ये कंपनी अलग है। तो अफान भाई क्या ले रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ की स्पेशल अलमराई क्रीम चीज़। अच्छा क्रीम चीज़, हाँ आपको भी पसंद है? हाँ हाँ इंशाल्लाह खाएंगे। तो क्रीम और चीज़ जो है मिक्स है, मतलब इसमें क्रीम और चीज़ मिक्स है, तो बिल्कुल क्रीमी सा टेस्ट आएगा। वाह भाई सही है। यहाँ पे जो आप वो लेते थे क्रॉसेंट, उसके अंदर फिलिंग होती थी, हाँ हाँ, तो ये उसी की फिलिंग होती है। अच्छा सही है। अच्छा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो मतलब जो फ्लेवर्ड मिल्क होते हैं, दही होती है, चीज़ हो गई, ये अलमराई की जो कंपनी है उस कंपनी के अलग यहाँ जो है ये फ्लेवर्ड मिल्क हो गए, दही हो गई, ये सब जो है अलमराई की सबसे ज़्यादा जो होती है बेस्ट होती है। अच्छा यहाँ पे देखें ये शहद भी हैं इतने सारे, बहुत सारे डिफरेंट शहद हैं। हुई हुई ये देखें तरबूज आ गया, इतना बड़ा तरबूज। और ये आम, ये तो पाकिस्तान के आम है बिल्कुल। यहाँ देखें ये लाल कलर के जो हैं ये आम हैं, टाइप में काफ़ी मिलते हैं, ये टाइप के आम हैं। हाँ टाइप के आम हैं, हाँ हम लोग टाइप की पैकेज देते हैं। हाँ अच्छा उधर पर इधर पाकिस्तानी मैंगो की दिखाओ, पाकिस्तानी मैंगो, हाँ ये तकरीबन 18 रियाल के मिले, पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी मैंगो यहाँ 18 रियाल। 18 रियाल तो ये कितने रुपए बनते हैं? 1100 रुपये बन गए। 1100 रुपये, 1100 रुपये के हमारे पाकिस्तानी आम 1 किलो, हमारे यहाँ अपने पाकिस्तान से ले लें वो ज़्यादा सही है, कम से कम 300 किलो में मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा भी। भाई आप ऊपर से तो नज़र आ जाओगे लाल नहीं है, हाँ लेकिन या तो हम टाइप गए थे तो अंदर, हाँ 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 अरे हाँ वही वाले हैं, बाहर से ऐसा लगता है मज़े के नहीं होंगे ये, लेकिन अंदर से ये क्या है, नाशपाती अमरूद है, यहाँ की नाशपाती है, नाशपाती, हाँ यहाँ की वैसी नाशपाती इतनी नरम होती है, ये भी देखें लाल कलर की, दो कलर की है ये, और ये एवोकाडो, हाँ ये कीमे दो। तो अब्बू आप क्या पसंद कर रहे हैं यहाँ पे अभी? इंजीर पसंद करते हैं। अच्छा तर्किश इंजीर है ये मैट, अच्छा ये सिटिंग मैट, सिटिंग मैट है सही है। तो ये आप बिछाइए और बैठ जाइए। हाँ चलिए ये ले लेते हैं, ये भी हम ले रहे हैं, ये केतली पसंद आई है। अच्छा छोटी वाली, हाँ चाय बनाने के लिए चाय ज़रूरी है। हाँ यहाँ पे देखें ये मैं
शर्ट के सेक्शन में आई हूँ टी शर्ट्स के, और यहाँ पे कैप्स भी हैं। कैप्स में देखिए लिखा हुआ है आई लव मक्का, काफ़ी अच्छी कैप्स हैं भाई, वाइट और ब्लैक दोनों में। और इसी तरह शर्ट भी है, शर्ट में भी लिखा हुआ है आई लव मक्का। स्मार्ट में जो है बहुत सी वैरायटीज हैं, हर चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि यह सूट के साथ के बीच में, मतलब बहुत कुछ है यहाँ मार्केट में जो है। अरे वाह, ये क्या है, 3 मिनट लिखा है ऊपर। घड़ी है, घड़ी जो पहले के टाइम में ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। अच्छा ये देखें यहाँ पे शोपीस भी हैं, और ये छोटी सी गाड़ी देखें चलने वाली भी है, चलती भी तक है, और काफ़ी उन्होंने पुराने टाइम की जिसमें जो गाड़ियाँ होती थी वैसी बनाई हुई है। अभी जो है हमने ये शोपीस भी लिया एक, तो इसमें जो है देखें खाना कबाब बना हुआ है ये, और ये दूसरा वाला इसमें जो है ये मदीने का, इसमें देखें गुंबद खजरा बना हुआ और पीछे मीनार। भाई ये क्या देख रहा, ये उजैफा ये टर्किश कॉफ़ी का वो लग रहा है अपना, क्या केटल कहते हैं। अच्छा, तो उसको आप जो सेंड होती है इसकी स्पेशल सेंड, उसमें जो हमारे कराची में आजकल काफ़ी इन है, तो आप इसमें डालो और बनाओ मज़े से टर करके। सही है। अच्छा तो अभी जो है मैंने, हमने जो है काउंटर से वहाँ बिलिंग करवा दी थी, और थैलियाँ वगैरह हमने ले ली, जो भी हमने जूसेस वगैरह लिए थे तो वो सब रख लिया मैंने। और अभी जो है अब हम निकल रहे हैं यहाँ मार्केट से। तो ये जो है हाइपर मार्केट काफ़ी बड़ी थी, ये हाइपर मार्केट बहुत बड़ी थी मैंने देखा, और बहुत सी वैराइटीज़ थी यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ों की, जिस तरह शर्ट्स वगैरह जूते बहुत कुछ था, मैंने आप लोगों को दिखाया ही था। तो ये एक मज़ा आया, एक अलग एक्सपीरियंस रहा यहाँ मक्का में। तो ये क्लॉक टावर में ही है, अगर आप लोग भी आएँ यहाँ, आना चाहिए अगर आप लोग क्लॉक टावर में, ये फूड कोर्ट वाले जो वो है ना फ्लोरसी में, तो वहाँ से आप लोग आ सकते हैं, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर दीजिएगा। मैं तो आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है।